आपने लोन लिया है और आपसे लोन नहीं भरा जा रहा, तो बहुत से लोगों के मन में ये टेंशन रहती है कि हमने लोन तो भरा नहीं है, और जब हमने लोन लिया था तो हमने चेक दिए थे बैंक की यहाँ प्लस प्राइवेट कंपनी को, तो वो चेक क्या है, हमें दो तरीके से देने पड़ते हैं, जैसे एक तो कैंसिल चेक हो गया और एक हम सीधा ब्लैंक चेक साइन करके देते हैं। तो इन दोनों चेक्स में फर्क होता है, और लोगों के मन में ये दिमाग में रहता है कि अभी हमने लोन तो भरा नहीं है तो हमारे ऊपर क्या बैंक केस कर सकता है या नहीं कर सकता है चेक के आधार पे। तो दोस्तों इसमें दो तरह का सिस्टम होता है, एक तो कैंसिल चेक होता है और एक दूसरा चेक होता है जो हम सीधा साइन करके देते हैं। और दोस्तों कंपनी एक या कोई भी बैंक या कंपनी है वो एक और तरीका भी साथ में यूज करती है, वो हमारे से एग्रीमेंट साइन करवाती है जब भी हम कोई लोन लेते हैं। आपके ऊपर केस हो सकता है या नहीं हो सकता जब आप लोन नहीं भरते हो। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं गुरविंदर गिल 1.0। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरी वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट भी जरूर कर दिया करो, बस इतना ही चाहता हूं मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। तो दोस्तों जब हम कैंसिल चेक देते हैं तो कैंसिल चेक में दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे से किसी भी बैंक ने अगर सिर्फ कैंसिल चेक लिया है तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कैंसिल चेक दिया है, सिर्फ आपका पैन कार्ड दिया है, आधार कार्ड दिया है और सिर्फ एक कैंसिल चेक दिया है, एक या दो या तीन जितने भी दिए होंगे वो कोई मैटर नहीं करता। इस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कैंसिल चेक दिया है और आपसे बाई चांस लोन नहीं भरा जा रहा तो आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैंसल चेक से किसी भी तरीके का केस नहीं कर सकता बैंक, क्योंकि वो तो चेक ही कैंसल है। ये तो हमारा एक आईक्यू सिस्टम भी, हम ये सोच सकते हैं ना, हमारा जो दिमाग है, दिमाग तो हम लगा सकते हैं कि हमने किसी को अगर कैंसल चेक दिया है, मान के चलो मैं हूं, अब मैं आपको चाहे 100 लोगों को क्या मेरा कैंसल चेक बांट दूं, ऊपर कैंसल लिख के और काटा मार के दे दूं, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कैंसल चेक दिया है तो बैंक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों आप नो टेंशन रहो। अगर आपको फोन पे रिकवरी एजेंट वाले बोलते हैं कि आपका चेक दिया हुआ है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर बैंक भी बोलता है, तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलनी है उनको कि कर दो। और दूसरी बात हम करते हैं कि बैंक चेक से कैसे केस कर सकता है हमारे ऊपर। तो दोस्तों अगर हमने सीधा साइन करके और जो भी अमाउंट भरी है या नहीं भरी है, हमने साइन करके सीधा अगर बैंक को चेक दिया है, इसमें दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपने किसी कभी भी कोई भी लोन लिया है और आपने सिर्फ सीधा साइन करके चेक दिए हैं तो दोस्तों उसमें गड़बड़ वाली बात है, वो आपको थोड़ा सा टॉर्चर कर सकती है मेंटली। तो आपको, मेरी तो यही सलाह है कि आपको लोन भर देना चाहिए। और बैंक क्या करता है, लगभग बहुत से लोन्स में बैंक एग्रीमेंट साइन करवाता है हमसे, और जब हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया तो दोस्तों फिर तो आप भूल ही जाओ कि हम लोन नहीं भरेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लोग। क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत से लोग ज्ञान दे रहे हैं, आपके आस पड़ोस वाले भी आपको बहुत ज्ञान देंगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सीधा साइन करके बैंक को चेक दिया है और आपने एग्रीमेंट साइन किया है लोन लेते वक्त, तो दोस्तों तब गड़बड़ वाली बात है, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपने सिर्फ चेक दिया है, सिंपल चेक दिया है और एग्रीमेंट साइन किया है, तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है, आपको अपने एडवोकेट से बात करनी चाहिए। और पहली बात तो ये है कि दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी है वो लोन को क्लोज कर ही देना चाहिए, चाहे सेटलमेंट करवा के करो। तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसी का भी ज्ञान लेना नहीं है फालतू का। अगर आपने ब्लैंक चेक दिया है, सीधा साइन करके बैंक ने रखा है, और अगर आपसे एग्रीमेंट साइन करवाया, तो किसी से भी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ये सोचना है, नहीं तो आपके ऊपर गड़बड़ हो सकती है, कल को आपको दिक्कत होगी। क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैं भी आपको अगर ये बात बोल दूं ना कि एग्रीमेंट साइन किया है और ब्लैंक चेक दिया तो कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है, इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।